राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास स्नान का आपको उद्यापन कैसे करें और कब करें और कैसे करना चाहिए स्नान करते हैं। जो लोग कार्तिक के पूरे महीने स्नान करते हैं और उन्होंने दीपदान नहीं किया है या उनका उद्यापन अधूरा, देखिए जब भी आप इस तरह से व्रत रखते हैं उसकी पूरी संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगी किस तरह से उद्यापन करना है आपको। देखिए एक वस्त्र लेना या तो सूट ले लीजिए आपको। सबसे पहले पूजा की विधि, जो सामग्री होनी चाहिए कम या ज्यादा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। ये मैंने सूट ले लिया है, आप चाहें तो जो आपके घर में कोई साड़ी पहनता है तो आप साड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं साड़ी रखूंगी यहाँ पर, तो आप साड़ी रख लीजिए। साड़ी के साथ में आपको जो कपड़े होते हैं जिसको भी आप देते हैं, ननंद को दे सकते हैं या सास को दे सकते हैं या ब्राह्मण को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, उसमें आपको एक अंगोछा मतलब रूमाल और जो गरम सॉल होता है वो रख सकते हैं, जर्सी भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप श्रद्धा के अनुसार 5 या 7 चीजें सिंगार की रख सकते हैं, चूड़ी बिंदी मेहंदी इस तरीके से जितनी आपकी श्रद्धा हो पूरा सामान रख सकती हैं, या 5 चीज, या आप खाली बिंदी का पत्ता भी रख सकती हैं। उसके साथ आपको लिफाफा यानी दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए, दक्षिणा रखने का बहुत महत्व है। जेंट्स के लिए आपको एक जोड़ी कपड़े लेने हैं, अगर पैंट शर्ट पहनते हो पैंट शर्ट रख लीजिए, या आप फिर उनको जो कुर्ता पजामा पहनते हैं वो रख लीजिए। दोनों में से आपको सॉक्स या जर्सी कोई भी ऊनी वस्त्र जरूर रखना चाहिए क्योंकि कार्तिक का महीना, रुमाल रख लीजिए और इनके भी 5 चीजें कर देते हैं, अंडरवियर या बनियान आप रखकर 5 कपड़े कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कम ज्यादा आप श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। एक लिफाफा आपको अवश्य रखना चाहिए, धनराशि जब भी आप कोई उद्यापन करते हैं जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक जोड़ी लेडीज चप्पल ले ली है, एक जोड़ी जैन चप्पल ले ली है क्योंकि जोड़े के हिसाब से यहाँ पर पूजन किया जाता है। सामग्री रखी जाती है जो कि इसमें हमें 5 बर्तन लेने चाहिए, कटोरी चम्मच थाली अपनी श्रद्धा के अनुसार। अगर आपके पास नहीं बन पा रहे हैं 5 बर्तन तो आप एक गिलास भी ले सकते हैं या एक कटोरी चम्मच भी ले सकते हैं, या आप मतलब एक चम्मच मतलब कम ज्यादा आप बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन जरूरत की चीजें हैं। आप स्नान करते हैं तो आप एक मग्घा भी ले सकते हैं इसमें, यानी आपको लिफाफा रख कर ये पूरी सामग्री है जिससे कि आपको ये उद्यापन करना है। देखिए कुछ लोग 5 दिन नहाते, कुछ लोग महीना भर नहाते। इसमें अनाज में आपको 1 किलो का पैकेट आप चावल का ले लीजिए, चावल आप ज्यादा भी ले सकते हैं कम भी, अगर आपके पास ज्यादा क्षमता नहीं है देने की तो 1 गिलास चावल भर के भी आप दान कर सकते हैं। या लोटे में आप 1 चावल डाल लीजिए, ज्यादा चावल नहीं दे सकते, लोटा भर चावल आप ये दान कर सकते हैं। इस सामग्री को आप कितनी भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं कम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पूरा सामान है, इसको आप ननन को दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं अपने घर पर बुलाकर। अगर आप अपने घर पर नहीं बुला सकते हैं तो आप कच्चा सीधा देना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी भिजवा सकते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं। ये पूर्णिमा के दिन अगर आप करते हैं तो और भी